देहरादून में बिल्ला इनाम पाओ योजना के 14वें लकी ड्रॉ की घोषणा विधानसभा स्थित सभागार से की गई, जिसमें दिसंबर 2023 में उपभोक्ताओं के जरिए अपलोड किए गए बिलों को शामिल किया गया। वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि आज का समारोह लकी ड्रॉ के ऐसे विजेताओं का चयन किए जाने के लिए आयोजित किया गया है जिनके द्वारा पंजीकृत व्यापारियों से की गई खरीद पर प्राप्त बिल को अपलोड किया गया है। योजना की लोकप्रियता को देखते हुए मासिक पुरस्कार दिए जाने की अवधि को 31 मार्च 2024 तक किया गया है। में आए हैं तो दोहरा लाभ है। और तीसरी बात मैंने साथ में जोड़ी है कि हमने जो किया है कि जब देश के देखिए हम बहुत छोटा राज्य हैं और हम लोगों के सामने जब जीएसटी का कंपेंसेशन खत्म हुआ था, बंद हुआ था, तो हमारे सामने संकट था कि हम कैसे चलेंगे। तो अनेकों आदमी अपना दिमाग लगाता है, हमने भी दिमाग लगाया, हमारे विभाग ने भी दिमाग लगाया, क्यों ना कि हम ऐसी स्कीम लॉन्च करें कि जनता को भी फायदा हो, हमें भी फायदा हो और इसके आने वाले टाइम पे इसकी जागरूकता बढ़े और लोग बिल लेना स्वाभाविक रूप से शुरू करें। तो ये उससे अभी लाभ मिल रहा है। जो मैंने कहा कि अन्य राज्य इसका फॉलो कर रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं दूसरी बात ये भी कह सकता हूँ कि केंद्र भी हमें इस रूप में प्रोत्साहित कर रहा है।